नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 2 जुलाई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मॉनसून एंट्री करने के साथ ही आधे प्रदेश में छा गया है। अजमेर में शुक्रवार को 4 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 11 साल में जुलाई महीने में अजमेर में हुई ये सर्वाधिक बरसात है। अजमेर के अलावा नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, अलवर, टोंक, जोधपुर समेत अन्य कई जिलों में अच्छी बरसात हुई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर में 112.6 मिमी बरसात दर्ज की गई। अजमेर शहर के अलावा पुष्कर में भी तेज बारिश के बाद सरोवर में पानी की आवक हुई। अजमेर के अलावा शुक्रवार को जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, अलवर और जोधपुर समेत अन्य कई जिलों में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में मार्च और अप्रैल की भयंकर गर्मी के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। भीषण गर्मी से ग्लेशियर्स के पिघलने और बारिश शुरू होने के बावजूद राज्य की विभिन्न नदियों पर बने बांध पूरी तरह नहीं भर पाए हैं। इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की कृषि पर पड़ सकता है, क्योंकि इन राज्यों की खेती बाड़ी नहरों के पानी पर निर्भर रहती है। आमतौर पर 15 जून के बाद विभिन्न नदियों पर बने बांध के जलाशय भर जाते हैं। उदयपुर मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। एक तस्वीर में वो भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आ रहा है। ये तस्वीर 2018 की है। इसके अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े एक कार्यकर्ता की एक पुरानी पोस्ट भी सामने आई है। इसमें उसने रियाज को भाजपा कार्यकर्ता बताया है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है। मुख्य आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है क्या? इसी कारण केंद्र ने जल्दबाजी में NIA को जांच सौंपी। राजस्थान के करीब 1400 बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम व 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड व बीए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन रविवार सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षार्थी अपने जिलों में ही परीक्षा दे सकेंगे। सुबह 11:20 के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नकल की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय ने सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक नेटबंदी की सिफारिश की है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी। इस अकादमी में दिव्यांग खिलाड़ियों के रहने ठहरने की सुविधाओं के साथ अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ओलंपिक सहित अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को योग्य प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा। इससे उनकी खेल दक्षता में सुधार होगा। टोंक तहसील क्षेत्र के चांदसिंहपुरा गांव में शटडाउन लेकर ट्रांसफार्मर से तार तोड़ रहा संविदा कर्मी शुक्रवार को कार्य पूर्ण होने से पहले ही बिजली चालू कर देने से झुलसने के बाद खंभे से गिरकर गंभीर घायल हो गया। इसके बाद मौजूद ग्रामीणों ने झुलसे युवक को उपचार कराने के लिए दुनिया अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने बताया कि शाम को महावीर निगम के लाइनमैन से शटडाउन लेकर गांव के वार्ड नंबर 3 में ट्रांसफार्मर से टूटे तार को जोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक आई बिजली से उसे करंट लग गया। उदयपुर घटना के 4 आरोपियों को शनिवार दोपहर 1:30 बजे जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके रिमांड की मांग करेगी। मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से सुबह जयपुर लेकर पहुंची। दोनों यहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे। दो अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ हैं। ये दोनों टेलर कन्हैया के मर्डर की साजिश में शामिल बताए जाते हैं। उधर 5वें दिन शनिवार को प्रशासन ने उदयपुर में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। शहर में 1 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि शनिवार से कर्फ्यू में ढील मिल सकती है। हालांकि इंटरनेट रविवार तक बंद रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से सोने पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का असर घरेलू बाजार पर नजर आने लगा है। राजस्थान में शनिवार को लगातार दूसरे दिन सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 53,500 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुई गिरावट की वजह से चांदी की कीमत घटकर 59,800 रुपये पर पहुंच गई है। जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 53,500 रुपये पर आ गई है, जबकि चांदी रिफाइंड की कीमत घटकर 59,800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में जुलाई की शुरुआत तेज बरसात के साथ हुई। यहां पिछले 24 घंटों में 109 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। शहर में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को सुबह 8 बजे तक चलता रहा। तेज बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा और मुख्य बाजारों की दुकानों के बाहर सड़कों पर पानी भर गया। हिल स्टेशन में अच्छी बारिश के बाद छोटे नदी नाले शुरू हो गए। माउंट आबू में अब तक कुल 182 mm यानी 7.5 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने पहुँच रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त एसपी राजन दुष्यंत ने शनिवार से अपना पद ज्वाइन कर लिया। राजन दुष्यंत इससे पहले चित्तौड़ जिले में डिप्टी और एडिशनल एसपी के पद पर भी रह चुके हैं। एसपी दुष्यंत ने ज्वाइनिंग के साथ ही जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह वाले पोस्ट ना डालें, अगर ऐसी कोई बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात को राज्य सरकार की ओर से 32 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए थे। जैसलमेर जिले में 29 जून को बंद हुई इंटरनेट सेवा शनिवार सुबह से शुरू हो गई है। लगातार 3 दिन तक पहली बार बंद हुई इंटरनेट सेवाओं से जैसलमेर जिले में ऑनलाइन कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। दरअसल उदयपुर कांड के बाद से जिले में शांति और सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए जोधपुर संभाग में संभागीय आयुक्त ने इंटरनेट सेवा पर 29 जून को रोक लगा दी थी। टोंक जिले में बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर तो सड़कें दरियां बन गई। सबसे ज़्यादा पानी पुरानी टोंक क्षेत्र में बहा। जिले में सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में इस सीजन में एक दिन रात में सबसे ज़्यादा बारिश 32 मिमी दर्ज की गई। इसी के साथ जिले में अब तक 137.14 मिमी बरसात हुई है, जो कुल औसत बारिश का 22.60% है। इसमें 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश टोंक शहर में 74 मिमी दर्ज की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।